इंदौर जिले के कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के आज 100 दिन पूर्ण हो गए हैं, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे जिले में काला दिवस मनाया है। लिहाजा काले वस्त्र पहनकर हाथों में विरोध की तख्तियां लिए सभी ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदेश की भाजपा सरकार को किसान विरोधी और आम जन विरोधी सरकार बताया है। देखिए, ये आज लोकतंत्र की हत्या जो कि ये आज उसका 100वां दिन है, सेंचुरी है, कि जिस तरीके से कमलनाथ जी की सरकार ने किसानों के और गरीबों के हितैषी सरकार को इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक और धन बल से जो सरकार को गिराई, उसका आज 100वां दिन है। उसके विरोध स्वरूप हम यहाँ पर जिला कांग्रेस के साथ ही हमारे अध्यक्ष जी सब हम यहाँ पर सांकेतिक एक धरना देकर और इसका विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज देखिए कि किस तरीके से राज्य को ये ले जा रहे हैं कि किसानों के लिए जो कमलनाथ जी की सरकार ने काम किए थे वो आपके समक्ष है। जो वादा किया था आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने कि 2 लाख तक कर्ज माफ करेंगे, वो 2 लाख रुपए का था, 1 लाख तक हमने कर चुके थे, कमलनाथ जी की सरकार कर चुकी थी, बिल आधा कर चुकी थी, गरीबों को 1 रुपये यूनिट का लाभ मिल रहा था। उन सबको, इनको डर था कि कमलनाथ जी की सरकार यदि 5 साल रही तो ये 10 से 15 साल नहीं आते, तो इन्होंने जिस तरीके से भू माफियाओं का उन्होंने जेल के सलाखों के पीछे भेजा और उन्होंने सब ने, जो व्यापारियों ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इकट्ठा होकर चंदा देकर और ये खरीद फरीद कर और जो बिके हैं 22 विधायक, उनने इस सरकार को गिराने का जो काम किया है वो लोकतंत्र की हत्या का काम किया है। जो चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिराने का काम किया है, जनता इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। आने वाले जो उपचुनाव में ये आपको मालूम हो जाएगा और वापस पुनः मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वापस पुनः कमलनाथ जी की सरकार वापस बनेगी। आज जो विरोध स्वरूप हमने ये आवाज़ उठाई है, ये पूरा देश देख रहा है, पूरा राज्य देख रहा है कि इन्हें जनता कभी माफ़ करने वाली नहीं है। सांवेर से जीतू माथुर की रिपोर्ट।